Assalamualaikum viewers, welcome back to my channel Khanum Food. आज मैं आप लोगों से ब्लाजी नूडल्स बनाने की बहुत ही ऑथेंटिक टेस्टी एंड यमी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एजिटेज इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से नूडल्स बन के तैयार होंगे। पहले ये नूडल्स मैंने सिंपल पानी बॉयल करके जस्ट बनाए, जैसे कि पैकेट पर इंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन वो इतने ज़्यादा ख़ास नहीं बने। और उसके बाद जब मैंने इसे इस रेसिपी से बनाया तो यकीन करें इतने टेस्टी और मज़ेदार से नूडल्स बन के तैयार हुए। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मैं ये रेसिपी शेयर करूं। सबसे पहले तो हम एक पैन लेंगे और उसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। पानी में एक बॉयल आने के बाद हम इसमें नूडल ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1/2 पैकेट ब्लाजिन नूडल्स का ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम इसमें चिकन वाला फ्लेवर का भी कनोर नूडल्स ऐड करेंगे। अभी हमने जस्ट नूडल बॉईल करने हैं, टेस्ट मेकर हमने अभी नहीं ऐड करना है इसमें। ये देखिए नूडल्स बॉईल हो चुके हैं और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें बस थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए, हमने बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं रखना। और अब हम एक बाउल में टेस्ट मेकर भी निकाल लेते हैं। पहले हम चिकन का निकालेंगे और उसके बाद हम ब्लाजीन फ्लेवर वाला भी निकाल लेते हैं। और अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें हरी प्याज ऐड करेंगे, हमने सेपरेटली कर लेना है इसका ग्रीन पार्ट और वाइट पार्ट। अभी हम वाइट पार्ट ऐड करेंगे, ग्रीन हम लास्ट में करेंगे ऐड। 1 मिनट हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब हम इसमें फाइनली चॉप टमाटर ऐड करेंगे और फाइनली चॉप हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स को आपने बिल्कुल फाइनली चॉप करना है। 1 मिनट फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें टेस्ट मेकर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही अब हम इसमें नूडल्स ऐड कर देंगे। ट्वेंटी सेकेंड हम फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नूडल्स भी थोड़े गर्म हो जाएं। और लास्ट में हम थोड़ा सा ओरिगैनो स्प्रिंकल कर देंगे, इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है नूडल्स और स्पेगेटी में। और ये स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट जो हमने बचाया था वो अब हम लास्ट में ऐड करेंगे और बस मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। और बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये मज़ेदार से नूडल्स हमारे रेडी हैं। और ये है जी फाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।